Hey guys, what's up and welcome back to my channel. मेरा नाम है रंजीत, ठीक है, noted, रंजीत। आज guys इस वीडियो में ना मैं एशियन ब्रांड के दो न्यूली लॉन्च शूज को अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला। इसके पहले भी guys एशियन ब्रांड के काफी ज्यादा शूज मैंने अनबॉक्स और रिव्यू किए, ठीक है। Now let's see guys, ये न्यूली लॉन्च शूज है, दोनों की MRP 2000 रुपए, एक तो 1000 में मिल रहा, दूसरा अपने को 1200 में मिल रहा। और एक चीज डेफिनेटली बोलूंगा यार कि कंपनी की डेवलपमेंट कितनी फास्ट है यार। फास्ट मतलब अभी कुछ अनबॉक्सिंग करो, फिर पता चलता है कि फिर कंपनी ने कुछ बना दिया, फिर पता चलता है कि फिर कंपनी ने कुछ बना दिया। चलो अच्छा, बनाती रहेगी तो भाई अपनी भी दाल रोटी चलती रहेगी, ठीक है, यूट्यूब की, कि नए डेवलपमेंट्स आएगी नहीं तो यार हम वीडियोस बनाएंगे किस पे। इन दोनों शूज का मैं शॉर्ट ब्रीफ दे दूं गाइस। एक इसमें जो है ना, ये एयरबॉल शूज मैंने मंगाया, ठीक है, एयरबॉल ये वाले। हाँ मैं बताऊंगा कि टेंशन मत लो आप। एयरबॉल वाला बेसिकली कैसा बताएगा, जो बीट्स टेक्नोलॉजी वाले जो शूज है ना, राइडर 01 के सोल के पीछे जो बीट्स वगैरह, ये वैसा शूज है बेसिकली, ठीक है। और जो ये फ्यूजन 01 जो है ना गाइस, इसमें अपने को मैक्स कुशी टेक्नोलॉजी वाला मिडसोल मिल जाता है। तो आओ गाइस फटाफट अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या ये शूज उसकी जो भी MRP आप कंसीडर मत करो, जो भी जिस प्राइस पे ये मिल रहा है ना 1000-1200, क्या ये उतने पे लेना वर्थ है या नहीं, ठीक है, आ जाओ। तो गाइस ये रहे एशियन ब्रांड के न्यूली लॉन्च शूज, ये है वो मैक्स कुशन वाले और ये है ये एयरबॉल बीट्स वाले। ये बीट्स वाले शूज मैं पहले ही काफी दफा बोला आपको, क्या पता है क्या कि भाई ये जो लुक देता है ना भाई, ये लुक थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल देता है। मतलब बचपन से ही अपन इस टाइप के मतलब जो सोल वाले शूज पहनते आ रहे, ठीक है, लेकिन जैसे अपन बड़े हो रहे गाइस, कंपनी भी एक कदम आगे बढ़ रही है और कंपनी भी नई डेवलपमेंट्स कर रही है, जो कि दिखने में और फील करने में काफी अच्छा लगता है। पहले आप इन दोनों शूज का लुक देख लो। लेट्स टॉक अबाउट ब्रांडिंग गाइस। तो टांग पे अपने को ब्रांडिंग मिल जाएगी दोनों शूज। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक शूज में यहाँ पे मिडसोल पे यहाँ पे लिखा एयरबॉल टेक्नोलॉजी, जो कि बीट्स वाले शूज है। उसके अलावा दूसरे पे लिखा मैक्स कुशन, जिसका आर्टिकल नंबर है फ्यूजन। स्ट्रेंज टू सी गाइस, क्या बताएगा कि एशियन वाले सोल वोल पे कभी भी इतनी ब्रांडिंग नहीं देते। इस शूज में गाइस यू कैन चेक आउट गाइस, यहाँ पे रिएक्टिव कूल करके भी प्रिंटिंग की गई है, ठीक है। उसके अलावा दोनों ही इनसोल पे ब्रांडिंग है। नेक्स्ट जब अपर की बात करूँ गाइस, इन दोनों शूज की चेक आउट है, दोनों में 3D नीटेड मैच अपर मिला। दोनों आर्टिकल के अपर में डिफरेंस ये गाइस कि यहाँ पे अपने को टीपीयू का ये मिल जाता है, ठीक है, टीपीयू मटेरियल मिल जाता है, ये मतलब मटेरियल मिल जाता है जहां से लेसिस वगैरह गई हुई है, ठीक है। उसके अलावा अपर ये पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे ना गाइस, यहां पर रेक्सिन वगैरह का पार्ट किया, उसके ऊपर भी स्क्रीन प्रिंटिंग की गई है और काफी अच्छे से एम्बोज किया है पीछे की तरफ, ये पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा इस शूज में अगर मैं अपर की बात करूं ना गाइस, तो यहां पे भी वही वाला अपर 3D नीटेड मैश अप, बट यहां पे अलग चीज क्या देखने मिलती है, अपर की थोड़ी कलाकारी, यहां पे जो ब्लैक कलर के एक और अपने को एडिशनल डिजाइन देखती है। देखो एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर का जो अपने को दिख रहा है ना गाइस, अपर को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है ना, टीपीयू की पतली पतली फिल्म होती है, मतलब अपर जब रखते हैं ना गाइस, उसके ऊपर वो फिल्म्स रख के उसको हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस से वो जाती है बेसिकली। वो केस में क्या होता है ना, ये काफी ज्यादा चिपक जाती है उसको, समझ रहे हो, ये इतनी इजीली नहीं निकलती। और इसके वजह से क्या होता है, देखो जो वैम पोर्शन वगैरह पे आप देख रहे हो ना, इस तरफ एक्चुअली एजेस वगैरह काफी ज्यादा स्मूथ लगती है अपने को। दोनों ही शूज के अगर मैं कॉलर कुशनिंग की बात करूं गाइस, तो देखो भाई एक ही टाइम पे कंपनी ने दोनों लॉन्च किया, तो अज्यूम के दोनों की कॉलर कुशनिंग भी सेम है। और जब मैं फील करके भी देख रहा हूँ ना, बात काफी सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मजा नहीं आएगा, आपको डेफिनेटली सेटिस्फैक्ट्री लगे। नेक्स्ट गाइस, अपर के पीछे जो लाइनिंग मटेरियल यूज किया, जब मैं इसको हाथ डाल के भी फील किया ना गाइस, तो अपर की थिकनेस भी काफी अच्छी लगी और ये कलर देखने में ये ब्लैक ग्रे कॉम्बिनेशन काफी डिसेंट लगता है। एक और चीज ऐड कर दूं गाइस, इन दोनों आर्टिकल में गाइस ऑलमोस्ट 2-3 कलर और अवेलेबल है, ठीक है, तो इन केस अगर आपको ये कलर नहीं भी पसंद आते ना, यू कैन चेक आउट फॉर ऑप्शंस, ठीक है। मिडसोल की अगर बात करूं गाइस, इन दोनों आर्टिकल की ना, यू कैन चेक आउट गाइस, यहां पे फ्यूजन में तो अपने को मैक्स कुशन मिल जाता है, ठीक है, जब मैंने उसको प्रेस करके भी फील करने की कोशिश की ना गाइस, मेरे को कंपाउंडिंग बहुत अच्छी लगी। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है पता है क्या, वेरियस केमिकल्स जो भी होते हैं, ईवा होता है, जो भी उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उसको मिक्स करके कितना क्या डालना है, ऐसा करके मतलब जो फिर जो निकलता है ना भाई, अगर वो कंपाउंडिंग अच्छी रहती है तो भाई सीधी सी बात है उसका आउटपुट जो होता है वो भी अच्छा आता है, डेफिनेटली बात है। वरना बहुत दफा भाई कंपाउंडिंग में कुछ घालमेल हो जाता है और भाई उसका जो आउटपुट निकलता है वो भी बहुत घालमेल हो जाता है। बट ये केस में भाई मेरे को दोनों की ही मिडसोल काफी ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। और भाई मिडसोल की जब बात छेड़ दी है, तो भाई मैं एयरबॉल की बात करना चाहूंगा। यहाँ अपने को 10,000 से भी ज्यादा बिट्स देखने मिलती है, ये बोलती है कंपनी। किसी दिन अपन डेफिनेटली ट्राई करेंगे गाइस, क्या करेंगे पता है, डेफिनेटली अपन खोलेंगे और एक एक चेक करेंगे। जब मेरे पास काम धंधा नहीं होगा ना गाइस, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो ऐसा ही बना दूंगा कि भैया सारे बिट्स में निकालूंगा और उसे गिन के एक वीडियो डाल दूंगा कि इसमें 10,000 बिट्स होते कि नहीं। इसके अलावा आउटसोल की बात करूं गाइस, तो दोनों में ही अपने को TPR आउटसोल मिल जाता है, ठीक है। और आउटसोल की जो क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब कहीं पे भी वो पैची नहीं लग रहा यार, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से ग्लू कहीं पे निकला हुआ है या यहाँ से कहीं पे ग्लू निकला हुआ है। मतलब पहली दफा मेरे को लग रहा है भाई कि एशियन ब्रांड के आउटसोल में कहीं भी ग्लू
ग्लोइंग वाली जो प्रॉब्लम होती है ना जब मैं बोलता हूँ भाई, वो इस चीज में डेफिनेटली अपने को नहीं देखने मिलती। अगर वो थोड़ी बहुत होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट इसमें देखने नहीं मिल रही, मतलब वो आंखों को काफी अच्छा लग रहा है। एक और चीज, फ्यूजन वाले आर्टिकल में आप देखेंगे ना गाइस, क्या पता है क्या, ये जो मिडसोल वगैरह लोग जो यहाँ पे दी हुई है ना गाइस, इसमें आप देखो यहाँ पे आगे की तरफ लाइट ग्रे बेसिकली, पीछे की तरफ डार्क ग्रे। अब आप सोच रहे हो डार्क ग्रे क्या अलग से कोई मटेरियल वगैरह इसमें पीछे से डाला? नहीं गाइस, ये लाइट ग्रे ही है, इसको लोग ने क्या किया पता है क्या, कलर किया हुआ है। फ्यूजन आर्टिकल की एक और खासियत गाइस कि अपने यहाँ पे ना टीपीयू की एक स्ट्रिप मिल जाती है, आप देखो इस तरफ, यहाँ से स्ट्रिप, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रिप बट एक मटेरियल जो है पीछे से शूज को ऐसे होल्ड करने के लिए। और जब भी इस तरह का मटेरियल कुछ देते हैं ना भाई कंपनी, तो डेफिनेटली बात है थोड़ा जब पहनोगे ना आप, तो आपको भी वो डेफिनेटली फील होता है कि अपना पैर मतलब थोड़ा सा ना इतना जगह पे रहता है। चलो गाइस फिनिशिंग की बात करूँ गाइस, तो फिनिशिंग तो देखो मैंने पहले ही बोला, देखो इंडियन ब्रांड है गाइस, उसमें थोड़ी सी अपने को फिनिशिंग कहीं ना कहीं पे आउट जाती है, वो डेफिनेटली दिखती है। पेस्टिंग वेस्टिंग की बात करूँ गाइस, तो डेफिनेटली थोड़ी सी कहीं कहीं पे लगी है, कहाँ पर थोड़ी सी मतलब पेस्टिंग वेस्टिंग थोड़ी सी ऐसे वो आउट जाती हुई दिखे, बट डोंट वरी गाइस, उसके वजह से आप शूज डैमेज डेफिनेटली नहीं होते। और ऐसा भी नहीं होता कि शूज मतलब जल्दी पेस्टिंग खुल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ नजरिए की बात है कि हमारे पास वो दिख रही है, उससे शूज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। आफ्टर वेयरिंग दिस शूज एंड फीलिंग दिस शूज गाइस, तो इनसोल भाई, तो मेमोरी फोम इनसोल, मतलब मैं क्या ही बात करूं इस इनसोल की भाई, आप पहनोगे तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा लगेगा। उसके अलावा एक चीज डेफिनेटली मैं ऐड करूं, क्या पता है कि अगर आपके शूज की मिडसोल कभी भी अच्छी होती है ना गाइस, तो डेफिनेटली बात आपको क्या ही हेल्प होती है पता है, जब हम दौड़ते वौड़ते ना तो भाई एक तो वो रिबाउंस वाली फीलिंग आती है, और उसके अलावा क्या शॉक एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा मिलता है अपने को, मतलब कहीं भी यार पत्थर अत्थर भी नीचे आते हैं और ठोकरे वोकरे भी लगते हैं ना गाइस, अपने को अंदर अपने घुटनों उठनों पर या फिर मतलब जो मतलब ना एक ट्रैक्शन या इस तरीके से अपने मतलब पैरों में वो तकलीफ नहीं आती जल्दी। और ये बीट्स वाले की बात करूं गाइस, तो इसमें तो अपने को कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा मिलता है मेरे हिसाब से, बिकॉज आप जब पैर वैर डाल के फील करते हो ना गाइस, तो अपने को बीट्स जब वो दबती है मतलब जो कंप्रेस होती है वापस अपनी जगह पे आती है, तो डेफिनेटली बात है कंफर्ट काफी अच्छा मिलता है। लेकिन ऐसे शूज में गाइस ये ना आवाज भी काफी आती है, ये चीज आप कभी नोट करना, ऐसे आप रस्ते रस्ते चलोगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी वैसे, लेकिन ना कभी भी साइलेंट रूम में अगर ऐसे शूज पहन के आप जाओगे ना, मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी वो आवाजें आती है, ठीक है, उसको डेफिनेटली इग्नोर करो, कोई मेजर इशू नहीं, डेफिनेटली बात है यार बंद कमरे में स्पोर्ट्स शूज कौन पहनता है। तो गाइस अगर मैं कंसीडर करूं भाई न्यूली लॉन्च शूज और अपने कोई लेने चाहिए नहीं, तो भाई देखो बहुत साफ बात करूं गाइस, तो मैक कुशन वाला कॉन्सेप्ट है ये मेरे को काफी ठीक लगता है, ठीक है, मतलब हाँ डेफिनेटली बात रिबाउंस अच्छा मिलता है, शॉक एब्जॉर्प्शन भी अच्छी मिलती है इसमें। और ये रही बात है एयर बॉल वाला ये जो शूज है ना गाइस, तो देखो मैंने इसके पहले भी काफी रिव्यू किए है, ठीक है, मैंने कैंपस के भी रिव्यू किए, एशियन के भी, राइडर 01 के मैंने रिव्यू किए, मैंने कोलंबस ब्रांड की भी रिव्यू किए, ठीक है, तो बहुत ही जनरल फीडबैक लोगों का क्या होता है मैंने मेरे वीडियो में शेयर किया हुआ लास्ट टाइम के वीडियो में, ठीक है। तो ये सब शूज बेसिकली क्या होता है, देखो मेरे को ये लुक्स वुक्स जो होता है ना भाई, डेफिनेटली काफी इनहांस करता है अपना लुक, अपना मतलब शूज पहनेंगे तो अपने ओवरऑल पर्सनालिटी पे काफी ज्यादा इनहांस करता है। और इसमें ना भाई एक कलर नहीं है और दो कलर इसमें, ठीक है, तो ब्लैक वाला हो सकता है तो आपको थोड़ा डर लगता हो, लेकिन इसमें और भी दो कलर ऑप्शन है, काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे को तो ये ब्लैक कलर भी काफी ठीक लगा। तो गाइस अगर आपको नए नए शूज के रिव्यूज देखना पसंद है ना गाइस, हमेशा अपडेटेड रहना पसंद है गाइस, कि मेरे फुटवेयर में कुछ भी नया है वो खास करके इंडियन ब्रांड से गाइस, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ताकि आई नेवर वांट कि यू सिलेक्ट दोस फुटवेयर जो अच्छे नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए, फिर भी आप गलतियां करोगे तो यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।